तो कहीं ना कहीं नौजवान जो है दिव्य दृष्टि से भटक चुका है, ज्ञान से भटक चुका है। इसलिए जब जब कोई भी धर्म का काम हो या डिबेट हो या चर्चा हो, सब जगह जाइए, सारे लोगों को लेकर के चलिए। इसलिए हमने DSS का स्थापना किया, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। शिवनंदन भारती जी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हमने बनाने का काम किया। ये पूरी तरीके से DSS को पूरे राज्य में और हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में DSS की स्थापना की जाएगी। इसके प्रचार के बारे में जन जन तक लोगों को पहुंचाने का काम होगा। हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है DSS को लाने का, तो हम बता देते हैं। जो RSS है उसके पैरेलल में कोई संगठन नहीं बना था, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए RSS को हमने DSS का स्थापना किया। DSS का फुल फॉर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। उसमें सारे धर्मों का निचोड़ है और सारे लोगों को लेकर चलने वाला है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई संगठन पैदा नहीं हुआ था जो हमने DSS को देने का काम किया, DSS की स्थापना करने का काम किया। और इसी के साथ साथ RSS वाले लोग, अब भाजपा वाले लोग घबरा रहे हैं, ये नया संगठन कौन सा आ गया। मोहन भागवत ने DSS पे कमेंट कर दिया, DSS क्या है, DSS वो है मोहन भागवत जी जो सारे धर्म को तोड़ता नहीं, सारे धर्मों को लेके चलने वाला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करता है। आज देखेगा कि RSS वाले धर्म के नाम पर, शिव चर्चा के नाम पर, आप देखिएगा गांव देहात में पूरा शिव चर्चा लोग जोर तोर से करा रहा। पीछे भी सर शिव चर्चा हो रहा था, आप शिव चर्चा कीजिए, आप भगवान का भी चर्चा कीजिए, सारे लोगों को लेकर के चलने का काम कीजिए। आप सारे लोगों का निचोड़ होना चाहिए। हम केवल शंकर भगवान के बारे में क्यों पढ़ेंगे, हम हिंदुस्तान में सारे धर्मों का निचोड़ है, बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है, हम सारे लोगों को लेकर के चलेंगे। ये उपदेश है DSS का। आज सब बड़ा बड़ा ब्राह्मण सब बन गया है, गांव देहात में घूम रहा है सब, गांव देहात में घूम करके सब महिलाओं पे, महिला बहुत कोमल होती है, दिल की बहुत ये होती है, उसके ऊपर आक्रमण कर रहा। बताइए, अब वो आक्रमण कर रहेगा, अपना बुद्धि पढ़ा दिया, अपना ज्ञान पढ़ा दिया, अब महिला जाकर के पति को धरिए, नहीं आप भी इससे जुड़िए, नहीं जुड़िएगा तो घर छोड़कर चल जाएंगे, अब मजबूरी है भाई। इसलिए हम मना नहीं कर रहे कि सिर्फ चर्चा नहीं करना, सिर्फ चर्चा भी होगा, लेकिन सारे धर्मों को लेकर के चलना होगा। जहां सिर्फ चर्चा की बात होती है वहां कुरान की भी बात होनी चाहिए, बाइबल की भी बात होनी चाहिए और गुरु ग्रंथ साहब का भी चर्चा होना चाहिए। इस सबसे पूरे हिंदुस्तान में DSS की स्थापना की गई है और अभी आने वाला समय में भी हम लोग का मकसद है कि केवल हिंदुस्तानी नहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में DSS की स्थापना की जाएगी, ताकि शांति का प्रतीक। तब तो कहीं कोई संगठन नहीं पैदा होगा, कोई संगठन मेरे लेवल में पैदा होगा DSS के सामने, बोलिए सब शांत हो जाएगा, सब हार जाएगा। DSS से हार गया, जब सब धर्म मिलिए गया तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है, जब पूरी देवताओं की शक्ति जब मिलती है तो मां दुर्गा की उत्पत्ति होती है। वही मां दुर्गा आदि शक्ति दानवों का संहार करती है, तो वही मां दुर्गा दानव का संहार करेगी, मोदी जी का संहार करेगी।
नारी को बरगलाने का काम किया, छात्र नौजवानों को बरगलाने का काम किया, आने वाले जो यूपी का जो चुनाव है जबरदस्त चल रहा है लड़ाई, देखिए टक्कर यूपी में किस तरीके से अखिलेश जी और राहुल जी दोनों मिलकर के नौजवान धूल चटाने का काम किया गया। अब बिहार में भी नौजवान लोग धूल चटा दिया, एक तरफ कृष्ण तो एक तरफ बलराम, महाभारत में लड़ाई में कृष्ण बलराम दोनों भाई एकजुट होकर के समानवादी शक्ति उसको तोड़ने का काम किए, वो लोग उसको हिलाने का काम किया, उसको मिटाने का काम किए और पुनः अपना साम्राज्य स्थापन करने का काम किए। तो हम लोगों को डीएसएस से जुड़ जाना है, हाथ उठाइए कितने लोग डीएसएस से जुड़ेंगे। आपको पूरी तरीके से तन मन हर एक चीज से लड़ना होगा, कोई जातिवाद नहीं करेगा। सब बोलता है कि भूमिहार है, इसको नहीं जोड़ना है, राजपूत है, इसको नहीं जोड़ना है, सब यादव सब पगलाया हुआ रहता है, सबको जोड़ना है, चाहे ब्राह्मण हो, सारे लोगों को हमको लेकर के चलना है।